नमस्कार दोस्तों, कई बार हमें हमारे सिग्नेचर चेंज करने की आवश्यकता पड़ जाती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो SBI का वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको किस तरीके से भर के देना है वह मैंने लाइव डेमो वीडियो में बताया है। आइए हम वीडियो देखते हैं और इस फॉर्म की एक कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, अगर आपका बैंक अकाउंट SBI बैंक में है और आपको अपने बैंक अकाउंट में अपना सिग्नेचर चेंज करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर्म लाना होगा, उसको फिलअप करके बैंक अकाउंट में सबमिट करवाना होगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर्म के बारे में बताता हूँ और इसको कैसे भरते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पर देखा होगा, यहाँ पर डेट दिखाई दे रही है जिस दिन आप ये फॉर्म बैंक अकाउंट में सबमिट करवाने जाओ उस दिन की आपको यहाँ पर डेट लिखनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पर लिख देना है आज की डेट, उसके बाद जो भी इसके नाम कस्टमर का नाम, इसके बाद आपको कस्टमर का नाम लिखना है, उसके बाद उसके मोबाइल नंबर जो भी है जो बैंक से जुड़े होना चाहिए अपने अकाउंट नंबर से, उसके बाद आपका अकाउंट नंबर जो आपकी चेकबुक डायरी में है, उसके बाद आपकी जो भी ब्रांच है उसका नाम आपको लिख देना है, उसके बाद आपको जो प्रॉब्लम है वहाँ पर आपको क्लिक करना है जिसे आप बैंक अकाउंट में अपने सिग्नेचर चेंज करवाने हैं। जैसे यहाँ पर लिख लें चेंज माय सिग्नेचर, तो आपको यहाँ पर टिक करके आपको जो भी आप सिग्नेचर चेंज करना चाहते हो वो चेंज ये यहाँ पर अपनी नई सिग्नेचर आ जाएंगे जो भी आप उसको ऐड करना चाहते हो नई सिग्नेचर को, उसके बाद यहाँ पर आपके सिग्नेचर हो जाएंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर फॉर्म के नीचे आधार कार्ड लगवाना है और इस फॉर्म को भरने के बाद आपको बैंक में जाके सबमिट करवाना है। तो ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ मेरा वीडियो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।